नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल। आज मैं आप सभी को कोरोना वायरस के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करके उसे पूरी तरीके से डैमेज करता है। कोरोना वायरस के जो मेन सिम्टम्स हैं वो है तेज बुखार, कंटिन्यूअस खांसी आना और उसके साथ साथ सांस लेने में तकलीफ होना। अगर कोरोना वायरस से बचना हो तो मेन काम, जो सबसे पहला काम है, वो अपने हाथों को हमेशा साफ पानी से और साबुन से धोते रहना। किसी भी चीज़ को छूने के बाद अपने हाथों को साफ धोना, और जब भी आप खांसो या फिर छींको तो अपने चेहरे को रुमाल या फिर हैंकरचीफ से ढक लेना। अगर रुमाल और हैंकरचीफ ना हो तो अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लेना, और जितना हो सके उतना अपने नाक, आँख और होठों को छूना अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ से ही कोरोना वायरस अपने बॉडी में एंटर होता है। और जितना हो सके उतना क्राउडेड एरियाज में जाना अवॉइड करें, जैसे कि थिएटर्स, मॉल्स, जहाँ पर लोग ज़्यादातर गोला होते हैं, वैसे जगह पर जाना अवॉइड करें, क्योंकि ये वायरस जो है फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर के अंदर बिताने की कोशिश करें। कोरोना वायरस का तो कोई दवाई नहीं निकली है, लेकिन उसके सिम्टम्स को दवाई लेके दूर किया जा सकता है। तो उन सिम्टम्स के लिए प्रॉपर दवाई लेनी ज़रूरी है। और अगर आप बीमार हैं तो जो भी ऑफिस का वर्क है वो अपने घर पर ही बैठ के करें, और बहुत सारे ऑफिसेस अपने एम्प्लॉयज को वो परमिशन दे रही हैं। और जितना हो सके उतना हेल्दी खाना प्रेफर करें और जंक फूड को अवॉइड करें, क्योंकि जब आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। और खुद की साफ सफाई के साथ साथ अपने आजू बाजू की जो सराउंडिंग एरिया है उनको भी साफ रखें, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो गंदी जगहों से फैलता है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपको स्ट्रांग इम्यूनिटी की ज़रूरत है, और स्ट्रांग इम्यूनिटी के लिए आपको वर्कआउट करना भी ज़रूरी है। तो जितना हो सके उतना घर पे वर्कआउट करने की कोशिश करें, और जब तक आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी बीमारी से नहीं लड़ सकते। तो अपने दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। और सबसे अहम बात, कोरोना के बारे में जो भी अफवाहें उनसे बचे, और उसके साथ साथ अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल पेज पे जाके चेक करें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आज अगर आपने कोई नई चीज सीखी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में एक बेल आइकॉन आएगा उसको दबाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।